हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने कुछ नए के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रेवी वाला चिल्ली पनीर रेसिपी बताने वाली हूं, जो कि काफ़ी यूनिक है और काफ़ी न्यू है और काफ़ी इजी है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह ग्रेवी वाला। तो दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है और लजीज और टेस्टी दिखाई दे रहा है। इस तरीके देखिए, बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। तो शुरू करते हैं चिली पनीर, जो कि हम ग्रेवी वाला बनाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हम न्यू स्टाइल में चिली पनीर बनाना, जो हम ग्रेवी वाला बनाएंगे। इसके लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। ये मैंने 2 से 3 शिमला मिर्च ली है और उसे काट लिया है। उसको काट के इस तरीके से मैंने उसकी लेयर अलग कर दी है। एक टमाटर लिया है, 3 से 4 कलियां मैंने लहसुन की लिए, और एक हरी मिर्च ली है। 100 से 150 ग्राम पनीर लिया है, जो कि मेरा होममेड ही है, और इसको इस तरीके से मैंने काट लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर पाउच, जो मैंचो बेस सूप है, और इसका वेट है 12 ग्राम के करीब। ये 2 पैकेट लिए हैं मैंने। आप चाहें तो इससे बड़ी पैकेट आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। सूप के द्वारा ही चिल्ली पनीर की ग्रेवी बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम चिल्ली पनीर बनाना। तो चलते हैं हम गैस की ओर। तो करते हैं हम गैस ऑन। चूल्हे हैं और तीनों पर मैं अब चिल्ली पनीर बनाने वाली हूँ। मैंने सबसे पहले इन तीनों को गरम करने रख दिया है, और मैं पहले अपना सूप रेडी करती हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी 2 कप के करीब पानी। ये 2 कप के करीब पानी डाला, हमारा गरम हो रहा है। सेकंड में ये भी गरम हो गया है, और इसमें डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल, बस। और तीसरे में भी हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ऑयल गरम हो गया है, और इसमें अपना पनीर थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इस तरीके से। और दूसरी तरफ ये भुन रहा है स्लो फ्लेम पे, और ये ऑयल भी हमारा गरम हो गया है। चॉप किया हुआ लहसुन की 4 से 5 कलियां और एक हरी मिर्च ली थी, वो पहले हम इसमें डालते हैं और इसे अच्छे से भूनते हैं। सूप की पाउच दी थी, वो इसमें डाल देते हैं। चला देते हैं। ये हमारा सूप बन रहा है, और ये देखना हमारा पनीर फ्राई हो रहा है। ये हो रहा है, और हमारा लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भुन गया है। अब हम डालेंगे इसमें अपना शिमला मिर्च, और जो हमने प्याज को स्लाइस में अलग किया था, टमाटर हम बाद में डालेंगे। हाई फ्लेम कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि चाइनीज आइटम जो भी हम बनाते हैं वो हाई फ्लेम पर ही बनते हैं। और देखिए, हमारा पनीर भी अच्छे से चारों तरफ से सिक गया है, और इसको कर देंगे हम बंद, और इसे रख देंगे एक साइड में। भी बन रहा है इस तरीके से, इसे कंटिन्यू बीच में चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाएं। इस तरीके से ये हमारा सूप बन रहा है। फ्राई भी हो गई और पक भी गई प्याज और ये। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने टमाटर लिया था उसको, और फिर इसे, टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है इसलिए हम इसे लास्ट में डालेंगे। इधर हमारी सब्जी रेडी हो गई, और इधर हमारा सूप भी बन के रेडी हो गया है। देखिए, इसमें
कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है और ये सही न ज़्यादा पतला है न ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं और एक साइड में ही रहने देते हैं और दूसरी तरफ अब इसे देखते हैं। तो इसमें अब ये अच्छे से हमारे टमाटर भी हो गए, हमें टमाटर को ज़्यादा गलाना नहीं है, बहुत जल्दी गल जाते हैं ये। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया, इन्हें अच्छे से चला देंगे। जो हमने विनेगर लिया था उसको डाल देंगे, ये सोया सॉस और जो एक चम्मच काली मिर्च ली थी उसको भी हम डालेंगे। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गई है। अब जो हमने पनीर फ्राई किया था उसको भी इसमें डाल देंगे। पनीर हमने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि अगर सब्जी के साथ डालते हैं हम तो वो टूट जाता है और टुकड़ों में हो जाता है। इस तरह ये हमारा फाइनल बन गई है। अब हम इसमें डालेंगे जो सूप हमने रेडी किया था, ये सूप अब हम इसमें डालेंगे इस तरीके से। और इसे 2 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और फ्लेम ही रखेंगे। तो फाइनली दोस्तों मेरा ग्रेवी वाला चिली पनीर बनके रेडी हो गया है और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों मेरा ग्रेवी वाला चिली पनीर बनके तैयार हो गया। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें और साथ ही साथ मेरी रेसिपी को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो फिर मिलते हैं कुछ नए के साथ।